नमस्कार, मीडिया 24 न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भूपेश टांडिया। संत गहिरा गुरु महाराज जी के जीवन शैली, रहन सहन और कुछ लोगों के बीच उनकी कार्यशैली और कुछ अनसुनी कहानियां जिसे आप नहीं जानते हैं, आज हम आपको बताने जा रहे हैं। हमारे सहयोगी रविश अग्रवाल की खास बातचीत संसदीय सचिव चिंतामणि महाराज जी के साथ श्रीकोट आश्रम से दिखाएंगे। आप खुद चिंतामणि महाराज जी के जुबान से संत गहिरा गुरु महाराज जी के बारे में जानेंगे, लेकिन उससे पहले यह रिपोर्ट देखिए। बलरामपुर जिले का श्रीकोट आश्रम, जहां सन 1955 और 56 में संत गहिरा गुरु महाराज पहुंचे थे, तब के लोगों का रहन सहन ही कुछ अलग था। यहां के लोग मांस मदिरा में डूबे रहते थे और खेती पर्यावरण से कोसों दूर तक इनका नाता नहीं था। संत गहिरा गुरु महाराज ने तब यहां के लोगों को मांस मदिरा से बाहर निकाला और खेती पर्यावरण से जोड़कर इनकी जीवन शैली सुधारने का काम शुरू किया। संत गहिरा गुरु की खूबी यह थी कि उनके पास जो भी आते थे उनकी कार्यशैली से प्रभावित होकर उनके अनुयायी बन जाते थे, और आज उन्हीं की देन है कि लोग यहाँ रामायण के आधार पर भगवान राम जैसी छवि बनाकर अपनी जीवन शैली जी रहे हैं। बताया जाता है कि श्रीकोट आश्रम में पहले भूत प्रेतों का निवास था। श्रीकोट आश्रम में जहां पेड़ों का समूह था, वहां भूत प्रेतों का साया माना जाता था। लोगों में भय था कि संत गहिरा गुरु की तपस्या और पूजा अर्चना के कारण आज प्रतिदिन यहां लोग पूजा करने पहुंचते हैं, और इसी कारण आज घर घर में गहिरा गुरु महाराज की पूजा अर्चना भी होती है। श्रीकोट में सबसे अलग कहानी यह है कि जब संत गहिरा गुरु महाराज जी का जन्म रायगढ़ जिले में हुआ, वहाँ से श्रीकोट आश्रम आने के लिए उन्होंने बैलगाड़ी का सहारा लिया था, और आज भी वह बैलगाड़ी जिसमें गहिरा गुरु महाराज आए थे वो श्रीकोट आश्रम में मौजूद हैं। यहाँ आने के बाद उन्होंने लोगों को धर्म के प्रति जोड़ने का काम किया। सनातन धर्म का उन्होंने क्षेत्र में प्रचार प्रसार किया। श्रीकोट आश्रम में संस्कृत की विद्या आज भी दी जाती है, तो उसमें भी एक कहानी छुपी है। दरअसल जब 1956 में कैलाश गुफा में संस्कृत की शिक्षा दी जाती थी, तब कैलाश गुफा में ब्राह्मणों का अलग राज्यों से आना हुआ था, लेकिन यहाँ आने के बाद ब्राह्मण संस्कृत भाषा नहीं जानते थे। ऐसे में संत गहिरा गुरु महाराज जी के मन में यह विचार आया कि क्यों ना अपने क्षेत्र के लोगों को संस्कृत की विद्या प्रदान की जाए, ताकि भविष्य में यह कमी न खले, और आज उन्हीं की बदौलत संस्कृत भाषा की पढ़ाई इस श्रीकोट में देखने को मिलती है। श्रीकोट के मंदिर परिसरों में क्षेत्र के लोगों की अद्भुत कला देखने को मिलती है। मंदिर के दरवाजों में बेहद ही बारीकी कला देखने को मिलती है, जो मन को बिल्कुल मोह लेने वाली है। संत गहिरा गुरु महाराज जी के पुत्र संसदीय सचिव चिंतामणि महाराज जी की जन्मभूमि श्रीकोट है, और धार्मिक दृष्टिकोण की वजह से उनका भी यहाँ से खासा लगाव है। और यही नहीं, इस आश्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का भी आगमन हुआ था, और संत गहिरा गुरु महाराज की पुण्यतिथि पर बिल्कुल समय से वह यहाँ पहुँचे थे, और यहाँ की श्रद्धा देखने के बाद क्षेत्र के विकास के लिए आवश्यक मांगों पर उन्होंने ध्यान भी दिया था। आइए अब आपको श्रीकोट आश्रम को लेकर संसदीय सचिव चिंतामणि महाराज जी के साथ हमारे सहयोगी रविश अग्रवाल की खास बातचीत आपको दिखाते हैं। कैमरा पर्सन घनश्याम सोनी और रविश अग्रवाल की यह रिपोर्ट देखिए। आज हम खड़े हैं कुसमी विकासखंड के से 10 किलोमीटर महज दूरी पर पड़ता है एक श्रीकोट आश्रम। इस आश्रम की विशेषताएं आज जब हम यहाँ पहुँचे तो हमको जानने को मिला कि अद्भुत नज़ारा है इस जगह का, और इस जगह के बारे में जानने के लिए
इस जगह का जो इतिहास है कहा जाता है गहिरा गुरु आश्रम नाम से भी इस जगह को जाना जाता है। आइए आज उनके शिष्य जो हमारे बीच हमारे संसदीय सचिव माननीय चिंतामणि महाराज जी मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि क्या आखिर इस जगह का इतिहास है, क्या आखिर यहाँ की वास्तविकता है कि लोग आने के बाद मंत्रमुग्ध हो जाते हैं इस जगह को लेके। आइए जानते हैं हम चिंतामणि महाराज जी से। महाराज जी, आज इस श्रीकोट के बारे में जानना चाहते हैं कि क्या है आखिर यहाँ का इतिहास, क्यों इतनी परंपरागत तरीके से यहाँ की जो विशेषताएं हैं आपने हमें बताया वो क्या है, हम दर्शकों को भी बताना चाहेंगे। यहाँ का इतिहास शायद जितना बताना चाहिए उतना शायद मैं ना बता सकूँ, जितना जानकारी हमें है उतना ही बता पाऊँगा। ये यहाँ लगभग 1955-56 के आसपास पूज्य पिताश्री का आना हुआ था। उस समय यहाँ के लोगों का जनजीवन जो है वो बिल्कुल ही ऐसा था कि उन लोग खेती नहीं करते थे और मांस मदिरा में डूबे रहते थे। ऐसे समय में यहाँ पर आ कर के और जिस तरह से यहाँ लोगों को उनको जीवन स्तर को उन्होंने ऊंचा उठाया, उसके साथ साथ खेती बाड़ी कैसे करना है, पर्यावरण को कैसे बचाना है, पेड़ पौधा लगाना चाहिए आदि आदि सभी बिंदुओं पर पूज्य पिताश्री के द्वारा काम किया गया। और उनमें एक ऐसा तेज था जिसके कारण उनके पास जो भी आते थे मंत्रमुग्ध होकर के और उनके अनुयायी होकर के रह जाते थे। ये क्षेत्र ज़्यादातर यहाँ उरांव, नगेशिया, कंवर इन्हीं जाति के लोग हैं। और उस समय ऐसा होता था कि लोग शौच जाने के बाद पानी का इस्तेमाल नहीं करते थे। उस समय सब मांस मदिरा में डूबे रहते थे। उस समय मुख्य आहार ही उनका वही था। खेतीबाड़ी कैसे करना है ये भी उनको ज्ञान नहीं था। उनके आने के बाद खेतीबाड़ी कैसे करना है, खेत कैसे बनाना चाहिए, वो सभी चीज़ों पर लोगों को शिक्षा दी है। उसके साथ साथ मांस मदिरा से दूर होने से क्या लाभ है इस विषय का भी उनको शिक्षा दी है। और आज यहाँ उरांव, नगेशिया, कंवर लोग जो उस समय मांस मदिरा में डूबे रहते थे, आज अगर उनको देखेंगे तो भगवान राम का जो चरित्र जिसमें वर्णन है रामायण को उनको दिया और आज रामायण के आधार पर अपना जीवन शैली उन लोग बदले हैं। और जो भी उनके संपर्क में आए उनका आर्थिक स्थिति भी काफ़ी ठीक रहा। और उसके साथ साथ ये जो स्थान है यहाँ बताते हैं यहाँ प्रेतों का निवास था। जहाँ पर हम लोग खड़े हैं ये सामने उरमाल किला दिख रहा है, यहाँ पर सरना हुआ करता था। जहाँ पर पेड़ों का समूह होता है उसको सरना बोलते हैं, वो पेड़ों का समूह था। और उस समय ऐसा स्थिति था कि लोग दोपहर को वहाँ भय के कारण जाते नहीं थे। लोगों को ऐसा लगता था कि यहाँ प्रेत है, अगर हम जाएंगे तो हमको मार देगा। और वैसे जगह में वो रह करके आज एक तीर्थ के रूप में इसको निर्माण कर दिए। आज जहाँ पर सरना था, जहाँ पर लोग भय से जाते नहीं थे, आज लोग श्रद्धा से वहाँ आते हैं और उनके प्रति उनका ऐसा आस्था है कि घर घर में पूज्य माता श्री का और पिताश्री का फोटो है, सभी पूजा करते हैं और प्रतिदिन उनसे जुड़े लोग जो हैं रामायण पढ़ते हैं। रोज़ दिन स्नान के बाद आंगन में तुलसी चौरा रहता है, उसमें जल चढ़ाते हैं, शाम को वहाँ दीपक जलाते हैं। इस तरह से जो सनातन धर्म का है उसको पालन करते हैं। जी महाराज, बात की जाए, आपने जैसा बताया पिताजी के आने के बाद एक पिछड़ी जनजाति उनको एक रास्ता मिला और बहुत अच्छा ये जानने को भी मिला कि लोग एक सद्मार्ग के रास्ते पर आ गए। महाराज, अभी मैं अपने दाहिनी ओर देख रहा हूँ
एक बैलगाड़ी का जिक्र किया आपने, जब सुगम रास्ता नहीं हुआ करता था ऐसे किसी बैलगाड़ी के बारे में आपने बताया, क्या ये बैलगाड़ी के बारे में आप थोड़ा सा विस्तार से बताएं। पिताजी का जन्म स्थान रायगढ़ जिले के लैलूंगा विकास खंड का गहरा गांव है, वहाँ से वो यहाँ बैलगाड़ी में आए। उस समय फोर व्हीलर गाड़ियों का भी आना संभव नहीं था, ऐसे समय में जहाँ रोड नहीं था वहाँ भी उस बैलगाड़ी से आए, तो कहीं ना कहीं एक उनके अंदर जो तपस्या का ऊर्जा रहा उसके कारण संभवतः यहाँ तक आए। और हमारा तो ऐसा मानना है कि आज एक परिवार में हम लोग 4-5 लोग रहते हैं, एक परिवार को एकजुट हम लोग कर नहीं पाते हैं, और वो ऐसे अनपढ़ लोगों के बीच आ करके और सभी को सनातन धर्म का मार्ग अगर दिखाए हैं, उनके प्रति लोगों का आस्था अगर बना है, तो निश्चित रूप से उनके अंदर कोई ऐसा शक्ति था जिसके कारण बैलगाड़ी से वहाँ से यहाँ आए। और यहाँ लोगों को जो उनके बातों को समझते नहीं थे ऐसे लोग भी उनसे जुड़े, तो कहीं ना कहीं उनमें वो शक्ति था, तपस्या का वो बल था, जिसके कारण आज इस स्थिति में जहाँ आज हम लोग खड़े हैं ये आपको नज़ारा दिख रहा है। महाराज, जैसा कि कहा जाता है संत गहिरा गुरु आश्रम, यहाँ शिक्षा भी दी जाती है बच्चों को, और यहाँ के जो बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं ऐसी एक धार्मिक आध्यात्मिक रूप से जुड़कर और शिक्षा ग्रहण करते हैं, क्या ऐसी व्यवस्थाएं हैं? अपने यहाँ संस्कृत विद्यालय का संचालन होता है, और ये संस्कृत विद्यालय भी लगभग मेरे को लगता है 1956 के आसपास ही कैलाश गुफा में शुरू किए थे। उनके मन में तब ये बात आया था, कैलाश गुफा का जब निर्माण हुआ इसके बाद वहाँ कोई पूजा पाठ करना था, तो पूजा पाठ में ब्राह्मणों का जरूरत पड़ता है, तो वो सोच रहे थे कि कोई ब्राह्मण आ जाते तो उनसे हम ये पूजा करा लेते। तो वहाँ कोई ब्राह्मण थे नहीं, संजोग से इधर बिहार झारखंड के तरफ से पाठ क्षेत्र में यादव समाज के लोग काफ़ी हैं, जो यादव लोग वहीं झारखंड बिहार से आए हैं, तो उनके यहाँ भिक्षाटन की दृष्टि से आते थे। वो कैलाश गुफा आए तो उनको देख करके पूज्य पिताश्री को लगा कि मेरे मन में ऐसा विचार आ रहा था, और संजोग से एक ब्राह्मण आ गए। वो जैसे नज़दीक आए तो उनको बोले कि महाराज ये पूजन कराना है, ये पूजन आप करा दें। तो उनका जवाब था कि मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ महाराज, मैं तो भिक्षाटन के लिए यहाँ आया हूँ, और पढ़ा लिखा नहीं होने के कारण मंत्रों का ज्ञान हमें नहीं है। इस शब्द को सुनने के बाद उनके मन में काफ़ी पीड़ा हुई कि एक ब्राह्मण समाज का रहने वाला व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है, आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने के कारण। तो उसी समय वो अपने मन में संकल्प किए कि यहाँ एक संस्कृत विद्यालय खोलना चाहिए, और जो भी गरीब ब्राह्मण है वो पढ़ें, उसके साथ साथ क्षेत्र के जो आदिवासी नगसिया कंवर गौड़ कोरवा जो भी हैं वो भी संस्कृत को पढ़ें। उस समय कई लोगों के मन में ये बात आया कि आखिर आदिवासियों को संस्कृत पढ़ा के क्या करना चाह रहे हैं। मैं भी संस्कृत से ही विद्या अध्ययन किया, मैं ये देखा कि संस्कृत पढ़ने वाले जो भी विद्यार्थी होते हैं उनमें एक अलग तरह का व्यवहार आता है, उनका आचरण व्यवहार देखेंगे तो सामान्य विद्यालय में पढ़ने वाला और संस्कृत विद्यालय में पढ़ने वाला दोनों में अंतर दिखेगा। तो संस्कृत पढ़ने से सिर्फ कर्मकांड करना संस्कृत पढ़ने का अर्थ नहीं है, संस्कृत पढ़ने से अपने संस्कृति का ज्ञान होता है, जिसे उनसे जुड़े जितने भी लोग हैं आदिवासी समाज के लोग सब पढ़े और आज उनका जीवन स्तर निश्चित रूप से अन्य लोगों की अपेक्षा अलग देखने को मिलता है। तो ये संस्कृत का महत्व। जी महाराज, अभी हम लोग आपके मंदिर परिसर में आ रहे हैं, मंदिर परिसर में ये चूँकि ये मंदिर का जो दरबार है इसकी नक्काशी देखने को मिल रही है, बहुत ही शानदार नक्काशी की गई है,
तो क्या यह नक्काशी कहाँ के द्वारा की गई, कैसे हुआ इस नक्काशी के? नक्काशी अपने जशपुर ज़िले में अपने संस्था से ही जुड़े लोग हैं उनके द्वारा ये बनाया गया है। इस तरह का लगभग मंदिर के जितने भी दरवाजे हैं सभी दरवाजों में आप देखेंगे इस तरह का काफ़ी सुंदर नक्काशी आपको देखने को मिलेगी। ये अगर आप देखना चाहें तो कितना बारीकी से उकेरा गया है। निश्चित रूप से कला के क्षेत्र में भी अपना क्षेत्र पीछे नहीं है, बशर्ते उनको एक प्लेटफार्म मिले जिसके माध्यम से लोगों तक, पूरे प्रदेश के लोगों तक ये बात जाए कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र में भी ऐसे कलाकार हैं। वो इसलिए कर नहीं पाते हैं, उसका जो मूल्य है वो उनको मिल नहीं पाता है, इस कारण से कहीं ना कहीं अपने कलाओं को वो दिखा नहीं पाते हैं। क्योंकि वो संस्था के लोग हैं तो संस्था का काम था, अपना काम था, उस हिसाब से यहाँ पर आकर के किए, तो ये कला को अपने को और आगे बढ़ावा दें इसके लिए भी अपने को प्रयास करने का ज़रूरत है। इस तरह के बहुत सारे कलाकार मिलेंगे जी महाराज। जैसा कि आज हम श्रीकोट पहुँचे, आपसे मुलाकात हुई, संसदीय सचिव बनने के बाद भी आपका जो लगभग लगभग समय इस श्रीकोट को जाता है और आपको यहाँ लोग मिलने भी आते हैं और बहुत प्रसन्न होकर जाते हैं, क्या कहना चाहेंगे श्रीकोट के लिए? देखिए, अपना जन्मभूमि तो सबको प्रिय है, मेरे को भी अपना जन्मभूमि होने के नाते और कहीं न कहीं यहाँ पूज्य माता जी का, पिताजी का तपस्थली रहा है, इस कारण से भी हमको तो बहुत अच्छा लगता है। और निश्चित रूप से इस क्षेत्र के लिए एक धार्मिक केंद्र बिंदु के रूप में श्रीकोट को देखा जाता है और यहाँ लोग, संस्था से जुड़े लोग हर गुरुवार को आते हैं और क्षेत्र का जो भी समस्या रहता है वो यहाँ संस्था में बताते हैं, फिर यहाँ से उसका निराकरण क्या करना है, ये सब विषय पर चर्चा होता है। तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि ये एक धार्मिक आस्था का केंद्र भी है, उसके साथ साथ क्षेत्र के लोगों का यहाँ के प्रति काफ़ी आस्था और विश्वास भरोसा है जी महाराज। प्रदेश के मुखिया बनने के बाद हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का भी यहाँ आगमन आपके माध्यम से हुआ था, कैसा रहा वह सफ़र मुख्यमंत्री जी का? बिल्कुल, हमारे प्रदेश के सम्माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं आग्रह किया था कि पिताजी का पुण्यतिथि कार्तिक महीने के देवोत्थानी एकादशी को होता है और ठीक 11 बजे 11:15 बजे का समय रहता है, तो उस समय ऐसा स्थिति बना कि समय पर नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन कहीं न कहीं पूज्य पिताजी के प्रति, संस्था के प्रति उनके मन में भी एक क्या कहना, श्रद्धा है, जिसके कारण मैं देखा एकदम समय पर वो आए और बिल्कुल 11:15 बजे के पहले जहाँ पर मौन धारण करने का रहता है वहाँ पर उपस्थित हो गए और यहाँ का पूरा वातावरण देख करके वो भी काफ़ी गदगद हुए और इस क्षेत्र के विकास के लिए जो जो आवश्यक मांग था उसके लिए भी उनके द्वारा ये कहा गया कि निश्चित रूप से जो भी इस क्षेत्र का, संस्था का जो भी आवश्यक मांग है हम सब पूरा करेंगे। तो उनका भी पूज्य पिताश्री के प्रति भी काफ़ी अटूट आस्था है और मैं उनको देख के ऐसा लगा कि समय पर पहुंचना बिल्कुल ही कठिन था, लेकिन कहीं न कहीं पूज्य पिताश्री की कृपा से ही और उनके मन में आस्था, ये दोनों समय पर उनको यहाँ पहुंचाया था जी। बिल्कुल महाराज, आज सुखद घड़ी है, हम इस, आपने देखा कि हम श्रीकोट के इस जगह पर खड़े हैं जहाँ आध्यात्म ही आध्यात्म है और जो हमारे चिंतामणि महाराज जी जो आज संसदीय सचिव हैं उनका यह तपोवन भी है, यहीं रहते हैं वह, और उनके पिताजी की जो आस्था और विश्वास के वजह से जो जनजाति पिछड़ी थी आज वह कहीं ना कहीं एक व्यापक स्वरूप के साथ और शिक्षा अध्ययन कर रही है यहाँ। तो मैं दर्शकों से भी कहूँगा कि अधिक से अधिक इस जगह को आएँ, इस जगह पर रहें, इस जगह पर
आकर और अपना समय यहाँ दें, ताकि यहाँ की जो मनोहर छटा है वो आप सभी को देखने के लिए मिले। मीडिया 24 के लिए रविश अग्रवाल, घनश्याम सोनी के साथ। तो यह है श्रीकोट की वह कहानी जिसे आपको जानना बेहद जरूरी था। उम्मीद है आपको बहुत कुछ जानने का मौका मिला होगा। सरगुजा संभाग से रविश अग्रवाल और बलरामपुर से घनश्याम सोनी की रिपोर्ट। होराइजन हॉस्पिटल विश्व स्तरीय मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, रायपुर के हृदय स्थल में उपलब्ध। जटिल ऑपरेशन, क्रिटिकल केयर व आधुनिक इमरजेंसी सेवाएं, आपकी हर बीमारी का संपूर्ण इलाज। होराइजन हॉस्पिटल, जलविहार कॉलोनी, कटोरतला, रायपुर।